जय सदगुरुदेव जय पद शरणम श्री ब्रिजमोहन वशनामृत भाग एक अनोखी महफिल स्थान बुलंद शहर इंटारोडी बंद गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी मु चारू रुज परिवारु आधे घंटे में ही आपने काम समाप्त किया बस्ता व डेस्क एक तरफ रख दिए गए इस बीच में दो तीन व्यक्ति तशरीफ ले आए लगभग पांच या छह सज्जन सब उपस्थित थे आपने आंखें मीच ली और एक अजीब अवस्था में डूब गए चेहरे पर अधिक तेज मालूम होने लगा और ऐसा प्रतीत होता था कि ध्यान में गहरे डूब गए हूं उधर आए सज्जन भी धीरे धीरे सोए हुए से प्रतीत होते थे एक साहब तो कुछ हल्के से खर्राटे भी ले रहे थे दास बड़े ही गौर से दद्दाजी महाराज को देखता रहा और सोचता रहा स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है चेहरे पर लाली है तेज भी है परंतु भेष बड़ा विचित्र है दाढ़ी है परंतु कुछ मुसलमानी ढंग की है टोपी चौड़ी बाढ़ की ऐसी है कि मानो लखनऊ के नवाब खानदान से हो सर्ज का गरम खाकी की रंग का कुर्ता तथा फिल्ले की बारीक सफेद धोती आधी हिंदुस्तानी वेशभूषा तथा आधी मुसलमानी शायद यही कारण है कि आपको कुछ लोग सूफी जी भी कहते हैं कमरे में अनुपम शांति प्रवाह धारा बह रही थी और सभी आंखें नीचे आनंद सागर में डुबकियां ले रहे थे दास ही केवल आंखें खोले सब कुछ देखने में लगा था लगभग आधा घंटा बाद आप कुछ हिले और फिर निम्नलिखित अशार बड़े ही मधुर कंठ से गाए मैं छलकती रहे सा की तेरे पैमाने से रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने दिल के आईने में रस ने दे सरूरे अब दी दिल के आईने में रस ने दे सरूरे अब दी ने दे छी हुई पैमाने से मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से अपने महबूब की आगोश नजर में छुप कर अपने महबूब की आश नजर में छुप कर रात दिन रहते हैं क्या पिए मस्ताने से मैं छलकती रहे साकी पैमाने से शमरुयार यार से रोशन है हकीकत जाना शमरुयार से रोशन है हकीकत जाना जानिसारी सारी का सबक मिलता है परवाने से मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की परतवे जलवे दीदार के पड़ जाने से मैं छलकती रहे सा तेरे पैमाने से फिर उन्मुन अवस्था में डूब गए दास सोच रहा था गला तो बड़ा सुहिला है गला कीरी भी बड़ी सुंदर है चेहरे पर तेज भी ध्यान में जाते ही यकायक बढ़ जाता है आदमी तो बड़े नेक व सदाचारी मालूम होते हैं लोग इन्हें महात्मा कहते हैं हो सकता है ऐसा हो परंतु ये तो गृहस्थी है इनके स्त्री भी है और महात्मा दास इसी उधेड़ बुन में ही पड़ा था कि आपने फिर मधुर से गाना प्रारंभ किया मन तू अपनी ओर निहार मन तू अपनी ओर निहार माया जाल भरम में भूला सत, सत विचार धन दौलत और कुटुम्ब कबीला मिथ्या सब संसार मन तू अपनी ओर निहार पंचवटी मन अष्ट दल। साहब जादर बार शयन करत घट मानंद रस झी नि डार मन तू अपनी ओर निहार प्रेम नगर मे राम बसेरा सिया सुरत की धार लशन तेज मन देख हिरानो बैठो आसन मार मन तू अपनी ओर निहार मन तू अपनी ओर निहार तीन सास के डारे लंगर नैया है हो सतगुरु की हित सो हो जाए बेड़ा पार मन तू अपनी ओर निहार मन तू अपनी ओर निहार पचरङ्ग चुनरी रसिक स्यानि ओड चली ससुरा सब तजो आपनो एक प्यासन प्यार मन तू अपनी और निहार ऋषिमुनि और पीर पैगंबर कहत पुकार पुकार प्रेम साच श्रद्धा बिन नाही सरल सुगम भण्डार मन तू ओर निहा <coughs> विषयवा वासना के आनन्दी मिथ्या जनम बिगार मानुष जनम गरीब ना फिर फिर कर ले हरी सो प्यार मन तू अपनी ओर निहार मन तू अपनी ओर निहार दास फिर सोचने लगा सुना है कि भगवान बिना ब्रह्मचर्य साधन के नहीं मिलते भगवान तो क्या संसार का कोई श्रेष्ठ कार्य बिना ब्रह्मचर्य साधन के सुलभ नहीं आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी जी तक ब्रह्मचर्य की महिमा प्रत्यक्ष प्रमाणित है ये ब्रह्मचारी तो नहीं चाहे जो कुछ भी हो परमात्मा के नाम पर लोगों ने अनेक अनेक मठ बनाए हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं भगवान ही बेहतर जाने दास के चाचा जी यानी बाबा मोहनलाल जी तो बड़ी तारीफ करते हैं हाँ ये तो अवश्य है कि जब से सोहबत में गए हैं तब से चाचा जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया है चौदह वर्ष की आयु से पड़ी हुक्का व सिगरेट की आदत अब पचास वर्ष की आयु में छूट गई बिना हुक्का पिए टट्टी नहीं उतरती थी अब ताजे पानी के एक गिलास से काम हो जाता है हर तीसरे दिन शराब का दौर चलता नजर आता था, अब मालूम किस मौज के नशे में चूर रहते हैं कि अधिकतर एकांत ही पसंद है दास के हृदय पर इस असंभव जैसे परिवर्तन की गहरी छाप है दास इन्हीं विचारों में मस्त था कि द्दाजी महाराज ने आंखें खोल दी धीरे धीरे सभी सचेत होने लगे मानो सोकर उठे हों। इतने में ही एक वयोवृद्ध दाढ़ी वाले सज्जन अपनी छड़ी के सहारे उठे और दद्दाजी महाराज के पांच पास पहुंचकर साष्टांग भूमिष्ठ प्रणाम किया आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी दद्दा महाराज ने कहा अरे राम राम पंडित जी महाराज यह तो गृहस्थ का कुत्ता है पंडित जी ने खड़े होते हुए कहा सब भ्रम नाश हो गया गुच्छी खुल गई अब तक के बाद वाद विवाद तथा घृष्टता के लिए क्षमा करें और अपने चरणों में बनाए रखें दादाजी महाराज ने कहा इस आशी पूर्मुआसी दासानुदास के लिए भी दुआ पंडित जी करते रहा करें पंडित जी हाथ जोड़ते हुए तथा बार बार झुकते हुए बैठते हैं श्री मोहनलाल जी कहते हैं दद्दा जी महाराज आज तो बड़ी ही फैज की बारिश की है द्दाजी महाराज ने कहा मालिक का फजल है यह सेवक किस योग्य है श्री मोहनलाल जी सरकार एक प्रार्थना थी दास की ओर इशारा करते हुए ये भतीजा है अगर इस पर भी कुछ दया हो जाती कुछ इसे भी बता देते दत्ता महाराज ने कहा दास की ओर देखकर मुस्कुराते हुए हाँ हाँ ये आजकल कहाँ है श्री मोहनलाल जी ने कहा ये आगरे में है तार घर में टेलीग्राफिस्ट हैं बड़े दिन की छुट्टियों में आया है बहु यही है बच्चों को लेने आया है दादाजी महाराज ने कहा अच्छा अच्छा सत्यपाल का बड़ा भाई है ठीक है ठीक है हाँ पेशकार साहब हमारी निगाह है अभी तो इनके खेलने खाने के दिन हैं, आप चिंता ना करें मालिक चाहेगा तो अपने आप जब समय आएगा तो आ जाएगा हमारी नजर है कुछ समय निस्तब्धता के बाद श्री मोहनलाल जी ने कहा सरकार इजाजत हो तो चलें, दादाजी महाराज ने कहा मुनीम जी पानी पीजिएगा मुनीम जी ने कहा सरकार पी लेंगे जी महाराज ने आवाज दी ओंकार ओंकार कालीचरण 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 दद्दा जी महाराज का मुलाजिम उसने कहा साहब भैया जी तो सो गए दद्दा जी महाराज ने कहा भाई पानी दो चार गिलासों में ले आओ पानी आया कुछ भाइयों ने पिया और फिर सब ने चरण छूकर भूमिष्ठ प्रणाम किया केवल दास ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया सबको ही लगभग डिप्टीगंज जाना था सभी धीरे धीरे सड़क पर चल दिए रास्ते में श्री मोहनलाल जी ने कहा कहो भाई यशपाल क्या देखा अच्छे आ गए द्दाजी महाराज के दर्शन हो गए बड़ा कामिल फकीर है ऐसा मिलना मुश्किल है पंडित जी बड़ा वाद विवाद करते थे आज ठीक हो गए सब ज्ञान भूल गए पर पंडित जी हैं तलाशी सच्चाई को मान गए कट नहीं है दास कहा दास ने कहा आदमी तो अच्छे मालूम पड़ते हैं शरीर पर तेज भी है श्री मोहनलाल जी ने कहा, आदमी नहीं बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, हमारे गुरु महाराज के सबसे बड़े लड़के हैं हमारे गुरु महाराज के सबसे बड़े लड़के हैं हमें तो अपने भाई की तरह ही मानते हैं हमारे ऊपर तो बड़ी दया है दास मौन हो सोच रहा है महात्मा और गृहस्थी होंगे हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग यो ही विख्यात हो जाते हैं वैसे तो मालिक मालिक करते हैं मुसलमानों की तरह और ये फैज क्या चीज है शायद सुरीली आवाज से ही मतलब होगा या समा बांधने को कहते होंगे इन्हीं विचारों में व्यस्त दास घर पहुंचा और निद्रा देवी की गोद में विलीन हो गया પરમાત્મા પરમારી ચપ